यूपीटेट की बात होती है तो दोस्तों यहां पर हिंदी का सबसे ज्यादा गेनिंग पोर्शन है, एक हिंदी ही आपको सबसे ज्यादा नंबर दिला सकती है। तो इस वीडियो में 30 प्रश्न है आपके स्तर को जांचेंगे कि क्या आप 22 से 25 के बीच में क्वेश्चंस कर रहे हैं या फिर 25 से 26 के बीच में क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुरुजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपसे ही हमें और हम चाहते हैं एक सीट आपकी सरकारी विद्यालय में पक्की हो। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको नए क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नए क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो नए क्वेश्चंस मिले फटाफट उनको नोट कर लेना। हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके दिमाग पर डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा अधिगम। अधिगम जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है किसके द्वारा? भाषा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं, या फिर लेखन क्रिया के द्वारा, या फिर पाठन क्रिया के द्वारा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा पहला राइट ऑप्शन, यानी भाषा के द्वारा ही मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है। अगर बात करें हिंदी के इन तीसरा क्वेश्चन की बात करें कि बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पर आपका अधिगम शिक्षण जो प्रणाली है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के द्वारा नवीन ज्ञान बनो जो कौशल होते हैं उनके द्वारा बच्चा सीख सकता है। यहां से पोर्शन स्टार्ट होता है अच्छा सा, क्योंकि आयोजन का विलोम होगा। हिंदी में मनोवैज्ञानिक तरीके से भी बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, गणित में भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा आयोजन का यहां पर वियोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, ठीक है? आयोजन का विलोम हो जाएगा वियोजन। विस्तार का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? लास्ट में आपको बताना है कमेंट करके कितने जो है क्वेश्चन सही हुए हैं, और सभी कैंडिडेट के मुझे नाम याद है। चाहे आप 1000 कमेंट करो, चाहे 2000 कमेंट करो, जो नए बच्चे हैं वो भी अपना यहाँ पर परिचय दे दें। विस्तार का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? संक्षेप हो जाएगा, ठीक है? विस्तार की जब भी बात आती है तो संक्षेप उसका विलोम होता है, और संक्षेप आ जाए तो फिर विलोम हो जाएगा। इसमें लघु मत मार देना। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर वापस लौटते हैं उसके लिए भैया क्या शब्द होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीटेट में बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बच्चे यहां पर संध्या भी मारते हैं, और आपके हिसाब से क्या होगा? तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोधूली, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पशु वन चरकर जो है रात्रि के समय, शाम के समय जो है लौटते हैं, तो उस टाइम का जो समय होता है उसको गोधूली कहते हैं। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? दोस्तों एक चीज बता देते हैं, मैंने उपसर्ग प्रत्यय कराए हुए हैं। प्रत्यय ये शब्द है, और प्रत्यय जब भी लगता है पीछे और अगर कोई आगे वर्ड लग जाता है तो उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग हमेशा आगे लगेगा, तो कैसा इसको इस प्रश्न को विलोम बनाने के लिए कौन सा लगा दें कि भाई विलोम हो जाए? तो भैया अस्पृश्य लगा दोगे तो विलोम हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है? चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत करेंगे 100% क्वेश्चन गलत करने वाले हैं आप लोग। दोस्तों यहां पर बता देते हैं आपका ये क्वेश्चन 8वां है, और चारों ओर से घेरने वाले को क्या कहते हैं? परिभू, ठीक है? याद रखना परिधि नहीं कहते हैं, ये वृत्त की परिधि होती है। चारों ओर से घेरने या आच्छादित करने की बात कर रहा है यहां पर, ये जो पोर्शन है वो कहलाएगा परिभू, ठीक है ना? पृथ्वी के चारों तरफ। इस शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों यहां पर आपको बताना है फास्टली, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो बोल के देखिएगा, तो नासिक के हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बात करते हैं स शब्द की जो है उच्चारण स्थान क्या होगा, आपको मिलते हैं 5 सेकंड, बोल के ट्राई करिए। तो यहां पर आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा तालु, ठीक है? अब तालु स्थान इसका जो है उच्चारण स्थान हो जाएगा। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर
गुण संधि होगी, और अगर संधि विच्छेद की बात करें तो यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, यथाशक्ति में अगर छोटे शब्द होते हैं यथा, ठीक है ना, और आपके बात करें अव्यय भाव में पहला पद जो है छोटा होता है पहले अक्षर में, तो ये अव्यय भाव हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पुनर्धन जन्म लगाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगर ये पूछता कि पुनर्जन्म में कौन सा संधि है, तो यहाँ पर आपका जो है वो जाता विसर्ग संधि। ऐसे ही सूर्योदय में पूछता कौन सा संधि है, तो हो जाता गुण संधि। मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छी, अगली वीडियो संधि पर ही आने वाली है, जो मतलब देखते ही खन पहचान जाओगे, कुछ करना ही नहीं है। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हिंदी की बात आती है तो लिंग निर्धारण की बात जब भी आती है, तो दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानने के लिए हमें सबसे पहले क्रिया के आधार पर करते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा कि वह जाता है या वह जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए हो जाता है। 15वां क्वेश्चन है कि भैया कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानिए जो का फिर वे पीर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पीर पीर से आप जो है लगा सकते हो। तो अगर पंक्ति में यमक अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना, एक पीर का होगा मतलब पैगंबर, और एक पीर का होगा मतलब पीड़ा, और एक बेपीर का मतलब होगा निर्दय। तो एक शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, और जो बार बार प्रयोग हुआ है उसका अर्थ भी अलग अलग है। तरण तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाये में पंक्ति में कौन सा दोस्तों यहाँ पर अलंकार हो जाएगा? टेस्ट कैसा लग रहा है? बिल्कुल टॉपिक पर ही बात की जा रही है, और टॉपिक से इधर उधर की बात मैं करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास। अनुप्रास की जब भी बात आती है कि यहाँ पर वर्ड कोई भी हो, ता 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 देखिएगा कितनी बार यूज हुआ है, तो एक जो है वर्ड यूज जब हो बार बार, और एक जब शब्द यूज हो बार बार, तो उसको यमक कहते हैं, और जब वर्ड की बात आती है तो भैया अनुप्रास हो जाता है। मेरी भववादा हरौ राधा नागरी सोई जातन की साये परे श्याम हरि तुति हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो नॉर्मल सी बात है कि दोस्तों यहाँ पर राधा नागरी सोई की बात करी गई है, और इसमें मेरी भववादा हरौ, तो आपको लग रहा होगा तो भक्ति रस हो जाएगा, रस की बात करी है, माफी चाहेंगे मैंने अलंकार की बात कर दी होगी, तो यहाँ पर भक्ति रस जो है हो जाएगा। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये वाला क्वेश्चंस, और ऊपर की बात करें ये वाला क्वेश्चंस, यानी कितनी बार रिपीटेड है, ठीक है। रहीमन चुप बैठिए देखी दिनन को फेर, जबनी के दिन आहिए बनत न लागही पैर। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको आप मात्राओं को गिन के कैसे ये पता लगा सकते हैं कि ये दोहा है, सोरठा है, रोला है, चौपाई है। चौपाई में जैसे 16-16 की बात आती है, ऐसे 11-13 या 13-11 की बात आती है। जब भी 13 पंक्तियां में 13 मात्राएं हों और 11 मात्राएं हों, यानी इसमें 13, इसमें 11, इसमें 13, इसमें 11, तो भैया होता है दोहा, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा राइट। इनको गिन के आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक के, है ना। अगर हम लास्ट में ही बात कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और जो है 10 11, ये पूरी टोटल यहाँ पर 11 हो जाएंगी, इसमें भी 11, इसमें 13 हो जाएंगी, और इसमें भी 13, और इसमें भी 11 हो जाएंगी, यानी पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 हो जाएंगी, तो भैया दोहा होता है। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? पानी, अग्नि, मोती और आकाश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलंकार में मैंने बताया था इसको। तो दोस्तों यहाँ पर प्रतिष्ठा, जल, चमक आदि जो है पानी शब्द के हो जाएंगे अर्थ, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से लेकर 3 ऑप्शंस में आप ज़्यादा परेशानी आती है आपको, तो आप पता करना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा ब्रज भाषा में, यानी 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। पिता कहानी के लेखक कौन है?
इसमें हम कहानियों वाले, इसमें हम लेखक और उनकी कृतियों को भी लेकर आते हैं जिससे हर क्वेश्चन आपका हो जाए, और मैं अलग से भी इन कृतियों को कराने वाला हूँ विद ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञान रंजन जी हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। लोक यातन किस कवि की रचना है? लोकायतन, और लोकायतन हो जाएगी सुमित्रा नंदन पंत की, फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। अभी और भी क्वेश्चन है, ठीक है, और अब की बार मैथमेटिक्स से किसी भी बहन किसी भी भाई का सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है। 1000 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर स्टार्ट है, और साथ में पोर्शन भी स्टार्ट है, हर चैप्टर्स भी कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस बार हम किसी पोर्शन में आपका नंबर कम नहीं होने देने। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये कौन से रचनाकार हैं भैया? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो दोस्तों ये 23वां क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ, आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं, आपके पास फोर्थ ऑप्शन है। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, मैंने 4 से 5 जो है यहाँ पर कराई है, तो उनको अच्छे से लिख लेना। और लास्ट ये है, कृति से संबंधित ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। दूसरा हो जाएगा राइट। अगर बात करें नेक्स्ट की, भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तभी मृत्युंजय पद की बात होती है तो आपने ऑप्शन अपने दिमाग में क्लिक कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करे तो होते हैं भैया भगवान शिव, और भगवान शिव की बात जब भी आती है तीसरे अर्थ की तो वो होता है बहुप्री, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन राइट। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का, इस जो है वीडियो का लास्ट जो है क्वेश्चन है ये, और आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलम। और आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों ऐसे टॉपिक हम कवर करा रहे हैं एक एक वीडियो में, साथ साथ नंबर आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दे रहे हैं, और ये 10-10 मिनट की वीडियोस आपके लिए बिल्कुल एकदम से वॉर्म वीटा की तरीके से बिल्कुल होंगी, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पर पहली बार हो रहा है जो मैं बिना कोई भी ऐसा मेथड नहीं लाना चाहता हूँ जो विषय से भटका है, जो सिलेबस से भटका है। मैं बिल्कुल टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ जिससे बच्चे कम समय में ज्यादा गेन करने की, ज्यादा दिमाग में फीड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया इस हिंदी के टेस्ट में, और आप, हम जानना चाहेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपके 22 भी आए हैं, 21 भी आए हैं, 25 भी आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, यहाँ पर प्रैक्टिस है, ये मेन एग्जाम नहीं है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर्यावरण का डेली टेस्ट चलता है, मनोविज्ञान का डेली टेस्ट चलता है, और रोजाना आपको नए टेस्ट मिलेंगे, नए प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। बहुत बहुत शुक्रिया पढ़ने के लिए आपका, और यहाँ पर जितना कम टेंशन रखोगे उतना ही ज़्यादा मुस्कुराओगे, और जितना ज़्यादा मुस्कुराओगे उतनी ही जल्दी एग्ज़ाम क्रैक होगा। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बात बाकी प्लेलिस्ट के लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।